everyone, namaste. I hope all are doing good. So in this new session we will discuss about gymnosperms. Okay, gymnosperms. Sabse pehle gymnosperms, I mean which groups are known as gymnosperms. Gymnos, the word itself, agar aap iska etymological meaning dekhoge to gymnos means naked and sperma means seeds. Okay, so gymnos, naked, sperma means seeds, so they are the plants in which the seeds are not enclosed within the fruit wall. Okay, that is, they bear naked seeds. These are seeded plants without fruits. So gymnosperms are nothing but they are the seeded plants without any fruit. Okay, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा टीचिंग अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, तो मेरा, हम भी तब इंटरनली आई एम मोटिवेटेड, बट मेरे को तब और अच्छा लगेगा और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे. ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. The sequoia, that is the redwood tree, is one of the tallest tree species. Okay, so they are the वो medium size का trees है और लंबे लंबे tree और shrubs देखने को मिलता है, and the redwood tree is the one of the example. ठीक है, and that is one of the tallest tree species, that is a sequoia. बहुत important है, इसको आप mark करके रखिए. ठीक है, next क्या है, unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. Okay, and third one is the plants represent the diploid sporophytic phase in the life cycle, and the plant body is differentiated into roots, stems and leaves. Same hai ye sab characteristic, ekdam bilkul lagbhag pehle bhi dekha, jab hum kya bryophytes and all that wo sab padha rahe the to usme bhi same hai. theek hai, the plant body is differentiated into roots, ye wala bahut common hai, isko aap log yaad karke rakhiyega ki plant body is differentiated into roots, stem and leaves. Okay, एंड नेक्स्ट वन होगा कि रूट्स जो इसमें इन लोग में जो रूट्स होता है ना वो नॉर्मली जनरली टैप रूट्स होता है. ठीक है, टैप रूट्स. एंड एक एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, दैट इज द माइकोराइजा. ओके, क्या होता है, पाइनस के साथ फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. ठीक है, एंड नेक्स्ट है स्टेम्स, जो होगा वो अनब्रांच्ड होगा जैसे साइकस में देखने को मिलता है, एंड ब्रांच्ड. ठीक है, तो क्या क्या है, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. एग्जाम्पल है सेक्वोया. नेक्स्ट इज अनलाइक, इन लोगों में क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, मतलब कहीं भी उग जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है द प्लांट्स रिप्रेजेंट द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज इन द लाइफ साइकिल, एंड फोर्थ वन इज दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, एंड फिफ्थ वन इज द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. ओके, सिक्स विल बी द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड. ठीक है, एंड जो लीव्स है सेवेंथ वन, क्या होगा, लीव्स जो है वो क्या कैसा होता है, मे बी सिंपल और कंपाउंड. ठीक है, इन साइकल्स द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स. ओके, एंड इन सिंपल लीव देर इज सिंगल लमाइना विच इज यूजली इंटायर, इन कंपाउंड लीव इंसिजन ऑफ लमीना रिज द मिडरिब और पेटियोल ड्यू टू विच लमाइना इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल पार्ट्स नोन एज लीफलेट्स. ओके, बेसिकली लीव्स के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. तो लीव्स हो गए सिंपल एंड कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट है दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है. ठीक है, सब कुछ है, बट क्या है, नेकेड सीड्स है. ठीक है, सीडेड प्लांट है विदाउट एनी फ्रूट. ठीक है, ये दिमाग में रखना ज़रूरी है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माइकोराइजा, एक फंगल एसोसिएशन है. नेक्स्ट कुछ जिम्नोस्पर्म्स का कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज साइकस, पाइनस, सेड्रस. ओके, साइकस पाइनस कॉमन है, जिंगो, ये सब होगा. एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म फीमेल स्ट्रॉबेली और मैक्रोस्पोरेंजिएटेड सीड कोन. ठीक है, यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ पे आपको मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया, ये सब देखने को मिलेगा. ठीक है, वेट, तो हाँ, और जो मेल और फीमेल कोन और स्ट्रॉबेरी है, मे बी दे बॉर्न ऑन द सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्रीज. ओके, यहाँ पे ओव्यूल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ जिम्नोस्पर्म्स का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है. ठीक है,
फर्टिलाइजेशन होता है सेम है, वैसा ही टाइप का है जैसे बाकियों में होता है. एंड हाँ, ड्यूरिंग पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड इन एयर करेंट्स एंड रीच द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स एंड बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स. ईच पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज द मेल गैमेट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्चेगोनिया. एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, देन ओव्यूल सीड्स में ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है, किस में रहता है ओव्यूल, किस में रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में. ठीक है, एंड देन डेवलपमेंट होते रहेगा एंड फाइनली वी गेट दी पैरेंट प्लांट. ओके, दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड. ठीक है, यही है, कुछ वैसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल है. हाँ, इसके बाद जो हो गया ये जिम्नोस्पर्म आपका कंप्लीट है. ठीक है, ये जो पॉइंट हम डिस्कस किए वही मेन पॉइंट है, वही सबको हाईलाइट कर दीजिएगा अगर आया एग्जाम में. ठीक है, बेसिकली पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक बोलो. ठीक है, यही सब पूछता है अगर बोर्ड को देखोगे तो 11th का. ठीक है, एंड लाइफ साइकिल उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना. नेक्स्ट है, अगर एक्स्ट्रा वो आपको रेफरेंस में मिल जाएगा. ठीक है, और हाँ, जिंगो बिलोबा ये वाला ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आता है एंट्रांस वगैरह में. इट इज़ अ टॉल ट्री हैविंग फैन शेप बाइलोब लीव्स. ओके, इट बियर्स टू टाइप्स ऑफ शूट, दैट इज ड्वार्फ एंड लॉन्ग शूट. ओके, और कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा कि दे आर दी एडिबल सीड्स. ओके, सीड्स ऑफ पाइनस जिराडियाना कॉल्ड चिलगोजा, और चिलगोजा हम सुने होंगे. ठीक है, दे आर ईटन आफ्टर रोस्टिंग, चिलगोजा सीड्स खाया जाता है. सो दे आर द एडिबल सीड्स. फर्स्ट वन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ओके, फर्स्ट वन इज एडिबल सीड्स. ओके, सेकेंड वन इज टिम्बर. जिम्नोस्पर्म्स पॉजेस सॉफ्ट वुड, इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ लाइट फर्नीचर. ठीक है, मैच स्टिक, रेलवे स्लीपर, एज अ टिम्बर भी यूज़ होता है. थर्ड वन इज़ पेपर, हम लोग पेपर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं जिम्नोस्पर्म वुड्स. ठीक है, फोर्थ वन इज़ फाइबर बोर्ड्स. ठीक है, नीडल, जो पाइनस का नीडल होता है, कुछ कॉनिफर्स पाइनस का जो नीडल है उसको आप फाइबर बोर्ड बना उससे सकते हो. तो फोर्थ वन इज़ फाइबर बोर्ड. ठीक है, फाइबर बोर्ड कहाँ पे काम आता है, पैकिंग करने में, पैकिंग केस वेस जो पैकिंग के काम में आएगा फाइबर बोर्ड. तो क्या क्या बोले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, फर्स्ट वन इज़ एडिबल सीड, सेकेंड वन इज़ टिम्बर, थर्ड वन इज़ पेपर, फोर्थ वन इज़ फाइबर बोर्ड. ओके, फिफ्थ वन इज़ एफेड्राइन. एफेड्राइन क्या है, ड्रग है. ठीक है, विच इज़ ऑप्टन फ्रॉम एफेड्रा, अ जिम्नोस्पर्म. ठीक है, द ड्रग इज़ यूज इन क्यूरिंग रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग एजमा. ओके, एंड सिक्स्थ वन इज टैक्सोल. टैक्सोल क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग है. तो कुछ दो ड्रग्स है. ठीक है, टैक्सोल एक ड्रग है विच इज़ ऑप्टन फ्रॉम द बैंक ऑफ टैक्सस. ठीक है, तो वाई कॉनिफर्स हैव थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमाटा. वाई एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कॉनिफर्स को हम लोग क्यों, कॉनिफर्स के पास थिक क्यूटिकल है एंड दे हैव संकेन स्टोमाटा. तो इसका हो जाएगा आंसर, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस. ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, नेम वन ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम जिम्नोस्पर्म. तो बहुत ईजी है, एफेरिन और क्या बोले अभी, टैक्सोल. क्या था, टैक्सोल. ओके, इट इज़ यूज इन क्यूरिंग रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, जो एफेड्रीन होगा. और एक एक्स्ट्रा एक ट्रिविया है, दैट इज सल्फर शार. ओके, वॉट इज सल्फर शार, डिड यू नो अबाउट सल्फर शार. सल्फर शार इज नथिंग बट अ फिनोमिनन रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन इन पाइन ट्रीज. सिंस पाइनस बियर्स कोन्स, दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स. पाइनस हैव लीव्स इन द फॉर्म ऑफ नीडल्स. द कोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सीड कोन्स एंड पॉलन कोन्स. ऑन द सेम प्लांट एज द पॉलन कोन्स मच्योर, द डिस्चार्ज लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन टू द ईयर एंड इट अपियर as a yellow cloud of yellow pollen grains. Okay, nothing but the collection of yellow pollen grains. This is called sulfur shower. So they look like, you know, shower, like yellow kind of shower is happening. This is called sulfur shower and occurs during spring. Okay, so this is all about sulfur shower. This is very much important. मेन क्वेश्चंस यही है कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज क्या है, ये बोलिए तो आपका हो जाएगा सेक्वोया. ठीक है, यही सब कुछ क्वेश्चंस आएगा यहाँ से. ठीक है, लाइफ साइकिल देख लेना अगर अच्छा लगे तो. ठीक है, आई होप गाइस पसंद आया होगा. अब प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल. ठीक है, अगर समझ में आता है तो प्लीज़. थैंक यू.